इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ इट। जी हाँ, इट का यूज जनरली हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इट का यूज हम करें तो कैसे करें और कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इट का जो यूज होता है वो आपका समय मतलब टाइम के लिए, तिथि मीन्स डेट के लिए, दिन डे, महीना मंथ साल ईयर, मौसम, इनको क्या करता है, मौसम ऋतु, इन सब चीज़ों के लिए आप इसमें यूज करते हैं। तो इट का यूज जनरली आप समझते हो इट का यूज कहाँ करते हैं, हम इट का यूज करते हैं समय तिथि दिन महीना साल मौसम और ऋतु के लिए हम इट का यूज करते हैं। अब इट का यूज जैसे मैं आपको बताता हूँ समय के लिए कैसे करते हैं। तो अगर आपको समय के बारे में नहीं पता कि समय कैसे देखते हैं तो आप मेरे बाकी की वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा हम टाइम किस तरीके से बताते हैं। इस वीडियो में आपको इट पे ज़्यादा फोकस करूंगा। जैसे इट इज़ 5 o'clock, अभी 5 बजे, तो अभी कहते हैं ना कि अभी कितना टाइम होता है, इट इज़ 5 o'clock मतलब अभी 5 बजे, तो इट इज 5 o'clock। इट वॉज 1948 मतलब कि वो जो सन थी वो 1948 थी। इट इज संडे टुडे, इट इज संडे टुडे मतलब आज का दिन रविवार है। इट इज विंटर, इट इज विंटर मीन्स ये जाड़े का मौसम है या जाड़े का समय। इट वॉज नाइट, वो रात थी, वो रात थी, जहाँ पर रात को बताने का हमने इट का यूज़ किया है। और इट इज़ नाइट, ये रात है, इट इज़ नाइट, ये रात है। तो इट का यूज़ आपको बेसिकली बस एक ही चीज़ पे फोकस करना है कि इट का जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे बस टाइम अगर हमें बताना हो, डेट बताना हो, दिन बताना हो, महीना बताना हो, साल बताना हो, मौसम बताना हो या कोई ऋतु बताना हो तो हम इट का यूज़ करते हैं। तो होप यू गाइस आपको एक छोटा सा वीडियो इट का पसंद आया होगा। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और हाँ शेयर करें वीडियो को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।